सो गाइस कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो ये जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो है आपका मॉक टेस्ट जो कि मैं दिया करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे आया हूँ, फिर लगभग 8-10 दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं दिया। थोड़ा मैं बिजी था, आप लोग को टेस्ट वोस्ट को लेकर टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करना था और बहुत सारे कोर्सेज जो चल रहे थे। सो आज से आपको वीडियो जो है कम से कम मॉक टेस्ट वाला पार्ट और कुछ पार्ट आपको खोटा गेम में देने वाला हूँ। कुछ हिस्ट्री के वीडियोज़ आप लोग डिमांड कर रहे थे, सो अभी आपको आज के बाद से सारे रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। सो जैसे आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो प्यार आपने दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि आप वैसे ही जुड़े रहो। और जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो हमारे चैनल से जुड़ के तैयारी करो तो अच्छी बात है, लेकिन जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो झारखंड के किसी भी कम्पिटिव एग्जाम से तैयारी करो, किसी भी कुछ दिनों में मुझे लगता है आज या कल में आपको टेक्निकल पेपर्स भी मिलना चालू हो जाएगा हमारे चैनल पर। ये सिंगल ऐसा चैनल होगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे कोर्सेज के जितने वीडियोज़ आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो जो लोग JEE की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी जनरल इंजीनियरिंग का जो वीडियोस हैं, जैसे मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, उसकी वीडियोस भी आपको आज रात से मिलना चालू हो जाएगा। सो जो लोग JEE की तैयारी कर रहे हो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, ताकि आप अपने कोर्सेज नहीं कहूँ तो जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम्स की उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सके। एंड दिस इज़ मी एज यू ऑल नो, आई एम विकास कश्यप। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ उपलब्ध करा रहा हूँ, जो कि इसके क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे जहाँ देखने को। तो चलिए आज हम अपना मॉक टेस्ट चालू करते हैं। और ये हमारा ऐप है जो सभी क्लासेस, जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो, अगर आप लोग किसी भी CGL के कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हो, या भी जो एक्साइज कॉन्स्टेबल उत्पाद सिपाही आया है उससे अगर जुड़ना चाहते हो, इसके लिए मैंने खोटा का भी अलग से पेपर निकाल के रखा है। और इसके अलावा आप अगर JEE की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके कोर्सेज तो हमें नहीं लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो एप्पल यूजर्स हैं उसके लिए iOS भी उपलब्ध है, तो आप अगर एप्पल यूजर हो और आपको iOS का लिंक चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हो व्हाट्सएप में, ये हमारा नंबर है, अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे आपका जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर आपको ऐसा लोगो देखने को मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड करके बहुत सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हो। और ये कुछ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जिस कोर्सेज में आप इनरोल करना चाहो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मैंने आपको दो मॉक दिया हुआ था, तीसरा मॉक है। और मैं हमेशा जब मॉक लेता हूँ तो मैं लीक से हट के बहुत सारे पॉइंट्स आपको देता हूँ, जैसे कि आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो चलिए हम आज भी जब मॉक लगाएंगे, मैंने लगभग 30 से 35 प्लस लिस्ट में ले रखे हैं। सो आज जब हम मॉक लगाने वाले हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा बीट आप लोग को दिया जाए, जिससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी हो सके। कुछ 30 क्वेश्चन के अलावा आप समझो 10 से 15 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन का सेट ऐसा है कि आप मान के चल सकते हो। चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो पहला, जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, तो उसमें जो पहला राज्यपाल बने वो कौन बने, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, या मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है प्रभात कुमार। सही उत्तर क्या है? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जो थे वो झारखंड के पहले राज्यपाल बने थे, तो सही उत्तर तो आपका हो जाएगा ए। इसके अलावा दो तीन पॉइंट आप और लो, इसके दूसरे राज्यपाल कौन बने, दूसरे राज्यपाल बने आपके वी सी पांडे। तीसरे कौन बने, एम रामा जोईस। देखो ये एम रामा जोईस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे तो आपके वी सी पांडे बने, तीसरे जो बने एम रामा जोईस बने। अभी तक टोटल कितने गवर्नर बन चुके हैं, तो अभी तक टोटल 9 गवर्नर। अभी जो 9वें गवर्नर है, 9वें गवर्नर कौन है, वो रमेश बायस है, ठीक है। अभी ये जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर है, देखो पहले गवर्नर तो प्रभात कुमार थे, दूसरे कौन थे, वीसी पांडे थे, तीसरे कौन थे, एम रामा जोईस थे। आज जो गवर्नर है वो कौन है, रमेश बायस है, जो कि 9वें गवर्नर है। एक और आपको अच्छे से याद रखना होगा कि जो 8वीं गवर्नर थी वो कौन थी, तो डी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू थी। और ये पहली महिला गवर्नर थी, पहली ये कौन थी, महिला गवर्नर थी, महिला राज्यपाल थी। तो ये इतनी बातें आप राज्यपाल से जुड़े झारखंड में याद रखो, सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। जो पहले राज्यपाल रहे प्रभात कुमार, दूसरे वीसी पांडे, तीसरे एम रामा जोईस, आठवीं जो रही द्रौपदी मुर्मू रही, जो झारखंड की पहली महिला गवर्नर थी। और आज जो 9वें है वो कौन, रमेश वायस है। तो राज्यपाल से जब भी क्वेश्चन आएगा इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। आपसे पूछा है, मैं क्वेश्चन का थोड़ा इलाज करता हूं, आपसे पूछा है कि छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज बीन अडॉर्ड विद द टाइटल ऑफ छोटा नागपुर केसरी। छोटा नागपुर केसरी का जो टाइटल है वो इनमें से किस व्यक्ति को दिया जाता है, छोटा नागपुर केसरी ये जो दिया हुआ है, किस व्यक्ति को विभूषित किया गया है। सही उत्तर क्या होगा इसका आपका राम नारायण सिंह इसका सही उत्तर है। इन्हें लायन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है, लायन ऑफ छोटा नागपुर। देखो जो हिंदी के बच्चे हैं, मैं हिंदी में बता ही रहा हूँ, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ। जहाँ जरूरत होगी हिंदी, कुछ ऐसे शब्द जहाँ हिंदी की आपको निहायत आवश्यकता होगी वहाँ मैं बताऊँगा अभी। तो छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया, तो राम नारायण सिंह। इन्हें लायन ऑफ छोटा नागपुर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि जाटकोर पूजा किस जनजाति का सर्व प्रमुख त्यौहार है। जाटकोर पूजा इज अ प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। किस जनजाति का ये जो त्यौहार है जाटकोर पूजा, ये किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताओ। जाटकोर पूजा जो है किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, और इसका सही उत्तर क्या है, खड़िया। खड़िया जनजाति जो है, इसका ये जो जाटकोर पूजा है ये किससे जुड़ा हुआ है, खड़िया जनजाति का। और खड़िया जनजाति का ये बहुत ही सर्व प्रमुख त्यौहार है, सबसे ज़्यादा जो फेमस फेस्टिवल जो है खड़िया जनजाति में, ये आपका कौन सा है, तो जाटकोर पूजा। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ एस्बेस्टस। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है। सॉरी, अभ्रक तो माइका होगा। अच्छा, हम दोनों की बात करेंगे अगर ये क्वेश्चन में आ गया ना। अब ये क्वेश्चन को आप ऐसे ठीक कर लेना कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है। अभ्रक किसको बोलते हैं, माइका को बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये बहुत लोग को पता होगा, बहुत ईजी प्रश्न है, लेकिन मैं जो अभी आपको एक्स्ट्रा बीट देने वाला हूँ ना, जो माइका से रिलेटेड जो मैं आपको एक्स्ट्रा बीट देने वाला हूँ, वो बहुत लोग को पता नहीं होगा। तो अगर हम अभ्रक की बात करें माइका, तो झारखंड में सर्वाधिक किस जिले में अभ्रक पाई जाती है, तो होगा आंसर क्या होगा, कोडरमा। किस जिले में होगा, कोडरमा। तो कोडरमा जो है उसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब भारत में अभ्रक की राजधानी किसे बोलते हैं, तो कोडरमा को बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अभ्रक से जुड़े जो एक्स्ट्रा बीट देने वाला वो कहीं आप लिखो। इसका सही उत्तर तो पहले आप ए कर लेना। अगर माइका की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक किस जिले में अभ्रक पाई जाती है, तो भाई किस जिले में, कोडरमा। इसके अलावा दो नाम और लिखो आप। देखो, एक तो हो गया कोडरमा, एक हो गया हजारीबाग HZBZ, और एक हो गया आपका गिरिडीह। ये तीनों जिलों में अभ्रक जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, यहाँ जो है अभ्रक की मात्रा आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब अभ्रक से जुड़े हुए जो माइका से जुड़े हुए जो प्रश्न झारखंड में, उसका आप सुनो। भारत विश्व में सबसे अधिक अभ्रक प्रोड्यूस करता है, मतलब इंडिया का रैंक वर्ल्ड में क्या है, अभ्रक प्रोडक्शन में, माइका प्रोडक्शन में नंबर वन है। इंडिया का रैंक क्या है, अब पॉइंट लेते चलो, इंडिया रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ माइका। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है, C2N। ठीक है, तो भारत का माइका प्रोडक्शन में विश्व में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। दूसरा पॉइंट लो, माइका से जुड़ा हुआ। देखो, माइका तीन तरह के होते हैं। अब माइका पहले किस तरह के चट्टानों में आपको मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे इग्नियस और आपको एक मेटामॉर्फिक, मतलब या तो आपको आग्नेय या फिर कायंत्रित चट्टानें जो हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको माइका मिनरल, ये जो मिनरल है, ये आपको किस तरह के चट्टानों में मिलेंगे, किस तरह के रॉक्स में मिलेंगे, तो एक तो इग्नियस रॉक में मिलेंगे, इग्नियस रॉक जिसे कि आप आग्नेय चट्टान बोलते हो, ये आग्नेय चट्टानों में आपको मिलेंगे। दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे कि आप क्या बोलते हो, कायंत्रित चट्टानें।
तो ये आपको कायांत्रित कायांत्रित चट्टानों में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो माइका मिनरल है अभ्रक, ये किस तरह के रॉक्स में मिलेंगे आपको, तो आग्नेय चट्टानों मेटामॉर्फिक रॉक में। माइका से आप और पॉइंट लो, देखो माइका तीन तरह का होता है, एक होता है रूबी माइका, एक होता है मस्को वाइट माइका, और एक होता है आपका बायोटाइल है बायोहाइट कहेंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो माइका के तीन प्रकार हैं, अगर आप इसको देखो, पहले आप इसे लिखो फिर हम इसे रब करके आपको यहीं बताएंगे। तो पहला तो हो गया कि कोडरमा जिले में सबसे अधिक माइका मिलता है, इसी को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया अभ्रक की राजधानी भारत में किसे कहते हैं, कोडरमा कहते हैं। कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह तीन ऐसे क्षेत्र जहां आपको माइका अभ्रक ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। भारत का स्थान क्या है माइका प्रोडक्शन में, तो नंबर वन है। किस तरह के चट्टानों में माइका मिलेगा, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेगा। कुछ पॉइंट्स आप और लो, इसको मिनिमाइज करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर माइका की बात हम कर रहे थे तो माइका देखो तीन तरह का होता है, एक होता है रूबी माइका, एक होता है आपका मस्को वाइट माइका, मस्को वाइट को हिंदी में मस्को वाइट ही लिखते हैं, और तीसरा होता है बायोहाइट, बायोटाइल या बायोहाइट कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन मुझे लगता है बायोहाइट ही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है माइका। देखो रूबी माइका कैसे पहचानोगे, को तो वाइट कलर का होता है, वाइट इन कलर। इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। अगर हम मस्को वाइट की बात करें तो लाइट पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कहने का मतलब हल्का गुलाबी। तो ये जो मस्को वाइट माइका है ये हल्का गुलाबी कलर का होता है, ये कैसा होता है, हल्का गुलाबी कलर का होता है। और अगर हम बायोहाइट या बायोटाइल माइका की बात करें जो इसका तीसरा प्रकार है, ये डार्क कलर का होता है, कहने का मतलब गहरे रंग का होता है। अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे अधिक माइका का प्रोडक्शन कौन करता है, भारत में की अगर हम बात करें, भारत के परिपेक्ष में अगर हम बात करें, तो झारखंड का माइका प्रोडक्शन में अभ्रक के प्रोडक्शन में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान है आपका राजस्थान का, और तीसरा स्थान क्या है हमारे झारखंड का। ठीक है, और कुछ पॉइंट लेना आप लोग को माइका से जुड़ा हुआ, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी पॉइंट बता दिया, चलो इतना सफिशिएंट होगा। तो चलो एक बार माइका को रिवाइज करते हैं, फिर हम एस्बेस्टस पे भी आते हैं, आपको आज एस्बेस्टस मिनरल के बारे में भी कुछ अच्छी बातें बताते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर हम प्रश्न जैसा पूछा था कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक सबसे अधिक पाई जाती है, तो भाई माइका सबसे अधिक पाई जाती है कोडरमा में। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह तीन ऐसे क्षेत्र जहां आपको माइका प्रचुर मात्रा में मिलेगा। माइका एक खनिज है। भारत में अभ्रक की राजधानी किसे बोलते हैं, तो कोडरमा को बोलते हैं, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। अगर इंडिया के पूरे विश्व में बात करें तो माइका प्रोडक्शन में नंबर वन रैंक है। अगर किस तरह के चट्टानों में माइका खनिज पाया जाता है, अभ्रक खनिज, ये आपको मिलेंगे इग्नियस रॉक जिसे कि आप अग्नेय चट्टान बोलते हो, मेटामॉर्फिक रॉक जिसे कि आप कायंत्रित चट्टानें भी बोलते हो। अगर हम माइका के प्रकार की बात करें, ये क्या हो गया आपका, ये प्रकार हो गया। तो माइका तीन प्रकार के हैं, रूबी माइका, मस्को वाइट माइका, बायोटाइल या बायोहाइट माइका जिसे बोलते हो। एक बार इसे इस नाम को आप चेक कर लेना, आई एम बिट कंफ्यूज व्हिच वन इज राइट, शायद बायोटाइल होगा, तो एक बार आप देख लेना। तो रूबी माइका जो होता है वाइट कलर का होता है, मस्को वाइट माइका जो होता है लाइट पिंक कलर का होता है, और बायोटाइल या बायोहाइट जिसे कि आप बोलते हो, ये माइका जो होता है डार्क कलर का गहरे रंग का होता है। अगर झारखंड में हम बात करें कि माइका का प्रोडक्शन में, सॉरी भारत में अगर हम बात करें कि माइका के प्रोडक्शन में झारखंड का कौन सा स्थान है, प्रोडक्शन में मतलब उत्पादन, अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें भारत में, तो आंध्र प्रदेश नंबर वन पे आता है, फर्स्ट पे आता है, राजस्थान नंबर सेकंड पे आता है, और झारखंड जो है थर्ड रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये रहा आपके माइका का ही, आप चाहो तो लिख लो, फिर हम थोड़ा एस्बेस्टस पे बात करते हैं। ठीक है, तो मिनरल बड़ा ही प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से तो उसे छोड़ नहीं सकते हो। तो चलो हम थोड़ा एस्बेस्टस की बात करते हैं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है क्योंकि हम जस्ट आगे बढ़ने वाले हैं। चलो मान लो ये क्वेश्चन में माइका नहीं है, अभ्रक नहीं है, एस्बेस्टस ही है। इस क्वेश्चन में एस्बेस्टस ही है, एस्बेस्टस को हिंदी में एस्बेस्टस ही लिखते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस आप देखो, जैसे आप टिन की चादरें देखते हो ना, वैसे ही सीमेंट की जो चादरें होते हैं जिसे आप घर बनाने में यूज करते हो, अगर हम घर की बात करें, तो ये देखना, ये जो घर होता है ना, इस पर जो आप चादरें डालते हो ना, ये जो चादरें होती हैं, सीमेंट की चादरें जो आपको दिखेंगी उसे आप एस्बेस्टस बोलते हो। सीमेंट की जो चादरें होती हैं,
तो ये एस्बेस्टस सीट होता है, एस्बेस्टस सीट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि सीमेंट के चारों जैसा जो दिखता है वो एस्बेस्टस सीट है आपका। अगर हम एस्बेस्टस की बात करें तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लो पहले। तो ये एक तो पहले फाइबरस मिनरल है, ये एक रेसेदार खनिज है। ये क्या है? फाइबरस मिनरल है, फाइबरस मिनरल है, पहला पॉइंट लिखो। फाइबरस मिनरल कहने का मतलब कि रेसेदार खनिज है, रेसेदार खनिज है। अगर दूसरा बात करें तो ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ये क्या होता है? मजबूत होता है। अगर इसकी तीसरी बात करते हैं तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। अगर हम चौथा इसका बात करें तो ये लगभग झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जो आपका कोलन डिस्ट्रिक्ट वाला क्षेत्र है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और क्या हो गया सरायकेला खरसवां, तो ये कोलन डिस्ट्रिक्ट वाले क्षेत्र में एस्बेस्टस जो आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अगर क्षेत्रों की बात करें तो ये कोल्हान डिस्ट्रिक्ट वाला जो क्षेत्र है, कोल्हान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये जो आपका कोल्हान डिस्ट्रिक्ट मत बोलो यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तो ये जो आपका कोल्हान डिवीजन वाला क्षेत्र है ना, कोल्हान डिवीजन वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, कोलन डिवीजन वाला क्षेत्र है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको कहाँ कहाँ, तो ईस्ट सिंहभूम जिसे कि आप क्या बोलते हो पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जिसे कि आप बोलते हो पश्चिमी सिंहभूम, और आपका सरायकेला खरसवान, सरायकेला खरसवान। तो इस क्षेत्र में आपको एस्बेस्टस प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोलन डिवीजन में आपका कौन कौन आएगा? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवां। तो ये जो कोलन डिवीजन है यहाँ पे एस्बेस्टस आपको काफ़ी मिलेंगी, ठीक है। और तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा कि एस्बेस्टस के लिए अगर हम देखें, अब एस्बेस्टस में देखो अगर हम ऑप्शन में जाए ना तो एस्बेस्टस में कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, क्योंकि बेसिकली कोलन डिवीजन में ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से मत जाओ, मैं आपको जो पॉइंट दे रहा हूँ वो लिख लो। एस्बेस्टस जो है एक फाइबरस मिनरल है, रेसेदार खनिज है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उष्मा का कुचालक होता है। बैड कंडक्टर मतलब कुचालक, और गुड कंडक्टर मतलब क्या हुआ आपका? सुचालक। तो अगर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसको वहाँ जहाँ पे भी हमको हीट रेजिस्टिव इक्विपमेंट बनाना होगा वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उष्मा का कुचालक है, हीट को अब्जॉर्ब ही नहीं करता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमको हीट रेजिस्टिव जो क्या कहते हैं उसके उष्मा से उष्मा का प्रतिरोधक क्षमता अगर इसमें ज़्यादा है, अच्छा है, तो हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ हमको हीट से बचाव की जरूरत होगी वहाँ वहाँ इस मिनरल को यूज़ करके हम चीज़ों को बना सकते हैं। और मिलता कहाँ है? तो कोलन डिस्ट्रिक्ट में, कोलन डिवीजन में, जो कि ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवान को कवर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगर अबरक है तो कोडरमा होगा, एस्बेस्टस के लिए तो कोई ऑप्शन सही दिख नहीं रहा। चलिए हम आगे चलते हैं। आपको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो वीडियो को पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जब बताऊंगा इसको आप स्क्रीनशॉट किसी को लेना तो आप ले सकते हो, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दे दूंगा। आज हम आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट और देने भी वाले हैं, ठीक है। चले आगे। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल इजी प्रश्न है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि पतरातु परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। पतरातु प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अब क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा कि पतरातु परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो पतरातु परियोजना, जैसा कि आप लोग को पता होगा पतरातु घाटी बहुत लोग घूमने जाते हैं, बड़ा ही सुंदर घाटी बनाया है, बड़ा ही सुंदर घाटी बनाया है, ट्विस्ट एंड टर्न। तो पतरातु परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखो पतरातु परियोजना जो है ना नलकरनी नहीं होगा, नलकरनी रिवर। ये क्या होगा? नीलकरणी रिवर, नीलकरणी नदी पे ये परियोजना बनाई गई है। ये परियोजना जो है इसका एक्स्ट्रा बिल्ड को, ये 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप समझ सकते हो अगर 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो ये जो किस नदी बनाई गई है, तो नलकरणी रिवर पे बनाया गया है, नलकरणी नदी पे बनाया गया है। ये नलकरणी करो इसे आप, नलकरणी यहाँ पे सिर्फ एन छूट गया है। तो नलकरणी नदी पे ये बनाया गया है, 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। पतरातु किसके अंदर आता है भाई? तो पतरातु जो है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सही उत्तर लिख लो सी। पतरातु परियोजना नलकरणी रिवर पे बनाया गया, ये 4000 मेगावाट का इसका क्या है, ये कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई? तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है।
चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखो क्या है कि जनजातीय देवता उत्गा का संबंध किससे है। ट्राइबल गॉड उत्गा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइबल गॉड उत्गा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो उत्गा, ये जो जनजातीय देवता, इनका संबंध किससे है? खेती से है, शिकार से है, सूर्य से है कि पहाड़ से है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तो पहले टिकआउट कर लेना स्टार मार्क्ड। तो ये जो जनजाति देवता ओतगा है, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये हंटिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? हंटिंग से जुड़े हुए हैं। सही उत्तर क्या है? हंटिंग, शिकार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ झारखंड। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन है बताइए? झारखंड के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम लोकायुक्त थे, ये सीधे आप कोमल नायक क्वेश्चन याद करो, बी लक्ष्मण उराव। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन बने? तो लक्ष्मण उराव। सही उत्तर क्या होगा? झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन बने? हुआ द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ झारखंड, तो लक्ष्मण उराव। ये जो है, ये झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहां एक्स्ट्रा बीट की जरूरत होगी मैं आपको दूंगा जरूर, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। व्हाट इज द टर्म कॉइन्ड फॉर द डॉरी और वुमन वेल्थ टेकन ड्यूरिंग द वेडिंग ऑफ सौरिया एंड माल पहाड़िया ट्राइब्स। की सौरिया तथा माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन या दहेज के रूप में ली जाने वाली रकम या राशि क्या कहलाती है? मतलब डॉरी, या जो बोलते हो कोई, मतलब कि वुमेन को जो गिफ्ट दिया था, डॉरी का डिफिनेशन क्या है इतिहास में? डॉरी इज अ गिफ्ट गिवन टू द डाउटर बाय फादर ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि जो शादी के समय जो गिफ्ट दिया जाता है, जो नॉर्मली देखो गिफ्ट होता नहीं, वो डिमांडेड होता है। और दहेज की प्रथा समाज को कहीं ना कहीं खोखला करते जा रही है। चलिए हम उस टॉपिक पर नहीं बढ़ेंगे, हमें अभी जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं कि सौरिया तथा माल पहाड़िया, ये जो जनजाति है, दोनों ट्राइब्स में ये जो डॉरी दिया जाता है, क्या स्त्री धन या वुमेन वेल्थ जिसे आप बोलते हो, ये इसका नाम क्या है, रकम क्या कहलाती है? पोन बेवार बंदी की खेवट, पोन बेवार बंदी या खेवट। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बंदी। सही उत्तर क्या होगा कि ये जो डॉरी और जो वुमेन वेल्थ का गिफ्ट है, जिसका ड्रामा करके लोग देते हैं सौरिया तमाल पहाड़िया जनजातियों में, इसे क्या बोलते हैं? बंदी बोलते हैं। सही उत्तर क्या होगा? बंदी। ठीक है, ये बंदा बंदी वाला बंदी नहीं है, ये दहेज वाला बंदी है, ध्यान रखना आप लोग। चलो नवा क्वेश्चन देखो। वेर इज द सॉइल टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। की मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को पता होगा। देखो तो ट्राई करके कौन कौन इसका उत्तर दे पाते हो। कि सॉइल टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सॉइल टेस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हजारीबाग, रांची, बोकारो। ये आपका चौथा ऑप्शन क्या है? धनबाद। तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। ये क्या है, कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? ए हजारीबाग। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ जंगल महल द रीजन इन झारखंड फॉर्म्ड बाई मर्जिंग 23 परगनाज एंड महालाज इन 1805। ये तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। अगर आप झारखंड को डेप्थ में पढ़े हो तो ये शब्द आपको मिलेगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 1805 ईस्वी में 23 परगनाओं एवं महालों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में बनाए गए जंगल महल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, जंगल महल का मुख्यालय कहाँ है? बरही में है, गोमिया में है, बांकुड़ा में है या आदित्यपुर में है? जंगल महल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, इसका पहले तो सही उत्तर आप ले लो, ये है आपका बांकुड़ा में, जो कि अभी कहाँ है। सही उत्तर क्या होगा? सी। इसका सही उत्तर क्या है? सी है। बांकुड़ा कहाँ है भाई? तो वेस्ट बंगाल में है। बांकुड़ा कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है, जो कि सटा हुआ है झारखंड से। देखो, एक समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे टेरिटोरी थे जो कि ब्रिटिश पोजिशन के कंट्रोल में थे, या इंडियन चीफडम्स जो थे उनके कंट्रोल में रहे। तो ये इन्हीं सब परगनाओं और जो उनका पोजिशन एरिया था, इन्हीं सब को मिला के जंगल महल बनाया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो बांकुड़ा में बनाया गया था, जो कि अभी वेस्ट बंगाल में है, बंगाल सरकार के अधीन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई।
ये जो प्रश्न है कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। मुझे लगता है जो लोग ने इतिहास पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में बता भी रखा है, इसका सही उत्तर क्या होगा कि 1891 में। इसका सही उत्तर क्या होगा कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर कब बना, तो 1891 में बना। अब इससे जुड़े एक्स्ट्रा बीट लो, तीन बीट। तो चलो मुझे ये बताओ कि जगन्नाथ मंदिर आखिर बनवाया किसने, जगन्नाथ मंदिर आखिर बनवाया किसने, तो इसका सही उत्तर क्या है, एनी शाह ने। किसने बनवाया, एनी शाह ने। ठीक है, बना कब, 1891 मैंने लिखी दिया। एनी शाह ने ही हार्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, हार्ट जो कि आज चल के रांची का हाटिया बना है, जो आज चल के रांची का हाटिया बना है। हार्ट का मतलब होता है बाजार, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एनी शाह ने दिया था। तो जब जगन्नाथ टेम्पल को याद करते हो ना भाई, तो आप हार्ट को भी याद करो, हार्ट से ही हाटिया बना, ये किसने दिया था, इन्हीं ने दिया था। ठीक है, और जब एनी शाह की बात आ रही है, और जब भी हम क्षत्रिय राजवंश की बात करते हैं, तो एक प्रश्न जो बार बार निकल के आता है ना कि भाई राजधानी, तो एनी शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो सतरंगी बनाई थी इन्होंने अपनी राजधानी, कैपिटल जो था वो कहाँ बनाई थी, सतरंगी बनवाई थी, जो कहाँ है, जो सुवर्ण रेखा नदी के तट पे है, जो सुवर्ण रेखा नदी के पास है, लिख दो। तो अगर जगन्नाथ मंदिर की बात आएगी, तो बना कब, 1891 में किसने बनवाया, एनी शाह ने। एनी शाह ने ही हाट बनवाया था, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या था, बाजार। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यही हाट चल के आज हाटिया बना, जो कि आपको रांची में देखने को मिलता है। और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, सतरंगी, जो कि कहाँ है, सुवर्णरेखा नदी के पास में है। ठीक है, चले आगे। तो इसमें भी आपको चार बिट मिल गए, या आप सब लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो। देखो, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को और जो एक्स्ट्रा बीट्स होते हैं ना, आप वहीं क्वेश्चन एक पेपर लेके बैठो या जब आप कॉपी लेके बैठते हो ना, तो जैसे ये क्वेश्चन का आंसर ए है, तो आपने ए लिख दिया, लेकिन उससे जुड़ी हुई बातों को पॉइंट के तौर पे ऐसे एरो करके आप लिख दो, तो आपको चीज़ें एक तरह से रिकॉल भी हो जाएंगी, और एग्जाम के टाइम पर रिविजन का लोड भी नहीं रहेगा आप पे। ठीक है, अब चलो इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बीट देने वाला हूँ। एक्स्ट्रा बीट क्या क्या होगा देखना आप। तो ये आपसे पूछा है कि बोकारो स्टील संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, प्रोडक्शन ऑफ बोकारो स्टील प्लांट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, प्रोडक्शन किस साल से चालू हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1971 से प्रोडक्शन चालू हुआ है। अगर हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, तो बोकारो स्टील प्लांट कब बना, पहले प्राइवेट लिमिटेड कब बना, तो 1964 में बना। 1964 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ, इनकॉर्पोरेटेड एज ए लिमिटेड कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुआ। इसके पास पांच ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस क्या है भाई, स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और 5.8 मैट्रिक टन का लिक्विड स्टील कैपेसिटी है इसके पास, 5.8 मैट्रिक टन का लिक्विड स्टील कैपेसिटी है इसके पास। लिक्विड स्टील जो तरल स्टील होता है, लिक्विड स्टील क्या बोलोगे, तरल स्टील शायद बोलते हैं, देख लेना हिंदी क्या है इसका। तो देखो, बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, तो 1964 में ये एज ए लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लिमिटेड कंपनी के रूप में ये बनी। 1971 में इसका पहला प्रोडक्शन है, पांच ब्लास्ट फर्नेस है। इसके टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है लिक्विड स्टील की, वो 5.8 मैट्रिक टन है। और इसे जो बनाया गया ना, उसमें सोवियत यूनियन या बहुत जगह आपको रसिया मिल जाएगा, रसिया के कोलेब्रेशन से बनाई गई, रसिया का सहयोग लिया गया इस बोकारो स्टील प्लांट को बनाने में। ठीक है, किसका सहयोग लिया गया है, तो रसिया, सोवियत यूनियन का सहयोग लिया गया। इनफैक्ट आप देखो तो झारखंड में चाहे टाटा स्टील हो, चाहे HEC हो, चाहे आपका बोकारो स्टील प्लांट हो, इन सब में रशियन टेक्नोलॉजी की ज़्यादा यूज की गई है। तो किसके कोलेब्रेशन से, किसके सहयोग से बनाया गया, तो सोवियत यूनियन और रशिया, जो कि पहले USSR था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, दो तीन पॉइंट को आप लिख लेना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, व्हाट परसेंटेज वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2016-17। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2016-17 ईस्वी में राज्य के कुल सकल उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था। कि ये देखो, ध्यान देना, इसमें आपसे पूछा है कि 16-17 में राज्य के कुल सकल उत्पाद का, ठीक है, कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था।
ये जो आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो 2016 का है, जो आपका जीडीपी 2016 का निकलता है 16-17 का, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था इन 2016-17 आउट ऑफ टोटल जीडीपी, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस, ठीक है, कृषि का योगदान आपसे पूछ रहा है। क्या उत्तर होगा इसका बताओ, बहुत लोग को पता होगा, और जिनको नहीं पता अभी पता चल रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका बनता है, बताओ क्या इसका सही उत्तर आपका है, डी 12.75। इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो था 12.75%, ठीक है, याद कर जाना, फैक्चुअल डाटा है। अब ये तो आप लोग कोई भी साथ बताओगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, हु एस्टैब्लिश्ड द स्टेट ऑफ रामगढ़, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, ये बहुत लोग बता देंगे, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में किसने की थी, तो बताओ क्या ऑप्शन होगा, बागदेव, ये देखो बाघेल देव है, बहुत जगह आपको बागदेव मिलेगा, बहुत जगह आपको बाघेल देव भी मिलेगा, बाघेल देव सिंह, तो बागदेव और बाघेल देव सिंह दोनों एक ही होगा, तो इसका सही उत्तर भी जो है वही आपका बाघेल देव सिंह है, बागदेव सिंह, देखो दोनों में जो ऑप्शन आपको मिलता है इसका सही उत्तर क्या है, बाघेल देव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी भाई, तो बाघेल देव सिंह ने की थी। किस तरह से इतिहास में चीजें बदली हैं, क्षत्रिय राजवंश मैंने पढ़ाया है, आप वहां देखो आपको इसका उत्तर बहुत ब्रीफ में मिलेगा कि आखिर किसकी ने एक्चुअली किस राजा की इन्होंने मदद की थी, उसके आवाज में रामगढ़ स्टेडियम को गिफ्ट में दे दिया गया था, और बाद में इन्होंने मतलब रामगढ़ का जो क्षेत्र इन्हें गिफ्ट में दिया गया था, और बाद में ये क्या किया कि रामगढ़ स्टेट के रूप में उसे विकसित किए, ठीक है, तो बाघेल देव उसका सही उत्तर होगा। अब पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये नाम देखो याद रखना, वेयर इज पालकोट सेंचुरी लोकेटेड, इसका उत्तर देखो आप लोग सोचो, देखो पालकोट बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, झारखंड में बहुत सारे प्रश्न इस नाम से जुड़े हुए हैं, और इसको डायरेक्टली अब याद करो कि पालकोट जो है गुमला से जुड़ा हुआ है, पालकोट कहाँ है, तो भाई गुमला में है, एकदम भूलना नहीं, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पालकोट आता है वहां आप एकदम गुमला को याद ही कर लो, बल्कि मैं तो बोलूंगा पालकोट गुमला याद करो, आप पीजी याद कर लो, पीजी, अब वो रहने वाला पीजी नहीं है, पालकोट गुमला वाला पीजी है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप पीजी याद करो, पालकोट से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न आता है, और जब पालकोट आएगा, जैसे कुछ अवशेषों को लेकर भी पालकोट का प्रश्न आता है, कुछ अभयारण्य को लेकर आता है, तो पीजी आप याद करो, पालकोट मतलब गुमला, ठीक है, तो पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है भाई, तो गुमला में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डोलोमाइट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड का डोलोमाइट का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, ये बहुत लोग जानते होंगे जो जिलों में रहते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ, इसका सही उत्तर पलामू, ये हमारा ही जिला है जहाँ से हम है, पलामू जो है डोलोमाइट का हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है। अब अगर हम डोलोमाइट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा लीक से हट के कुछ और डोलोमाइट पे जान लेते हैं, ठीक है, और वो जानने लायक बातें क्या क्या है, यहाँ देखो अगर हम डोलोमाइट की बात करते हैं तो डोलोमाइट बनता कैसे है, तो देखो लाइमस्टोन, जब आप लाइमस्टोन को मतलब चूना पत्थर को, चूना पत्थर को, ये चूना होगा ना, मैं बार बार बोलता हूँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ लेना, ये चूना पत्थर को जब आप मैग्नीशियम मिलाते हो इसमें, मैग्नीशियम मिलाते हो, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिलाते हो तो बनता क्या है, ये बनता है डोलोमाइट, क्या बनता है, डोलोमाइट, जैसे कि आप इंग्लिश में बोलते हो डोलोमाइट, ये स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब आप लाइम स्टोन में मैग्नीशियम मिलाते हो तो आपका बनता क्या है, डोलोमाइट बनता है, ये बेसिकली पलामू जिला में सर्वाधिक मिलता है, इसका उत्तर तो पहले डी होगा लिख लो, लेकिन पलामू के अलावा ये गढ़वा में भी प्राप्त होता है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में भी, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो पलामू और गढ़वा इसके दोनों क्षेत्र हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लो पलामू और गढ़वा, पलामू और गढ़वा जो है इसके क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ पर डोलोमाइट बहुतायत मात्रा में मिलता है, ठीक है। डोलोमाइट कैसे बनता है, लाइमस्टोन और मैग्नीशियम से, और इसे किस किस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, अगर हम इसके उद्योग की बात करें, किस किस उद्योग में इसे काफी तौर पर यूज किया जाता है, तो एक तो लिख लो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, दूसरा लिखो ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, तीसरा आप लिख लो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, तो तीन इंडस्ट्री आप लिख लो। डोलोमाइट कहां मिलता है, पलामू गढ़वा में, सबसे अधिक पलामू में बनता कैसे है, लाइमस्टोन और मैग्नीशियम को मिलाने से डोलोमाइट बनता है, डोलोमाइट का यूज
सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, एक और लिख लो पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं भाई, पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। देखो कितना सारा एक्स्ट्रा बिट मैंने आपको दिया है। तो जब डोलोमाइट आए तो लाइमस्टोन मैक्सिम जरूर याद रखना, सीमेंट, ग्लास, पेपर और आयरन स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। पलामू और गढ़वा जिले में ये बहुतायत मात्रा में मिलता है, ये ऐसा खनिज है। ठीक है, चले चलिए आगे चलते हैं। 17, अब यहाँ भी देखो बहुत सारा पॉइंट देने वाला हूँ, एक्स्ट्रा बिट देने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसको मिनिमाइज करेंगे हम। क्वेश्चन बोलता है कि दशम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, दशम जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सबको पता होगा भाई, बहुत ही इजी प्रश्न है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट किया जाए पहले। अब जलप्रपात की बात हो रही है तो थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं बहुत सारे जलप्रपात हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर तो पहले आप ले लो कि दशम जलप्रपात किस जिले में स्थित है भाई, तो रांची में। किस जिले में स्थित है तो इसका उत्तर पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। दशम जलप्रपात जो है, ये जो दशम जलप्रपात है, दशम वाटरफॉल, ये कहाँ है भाई, तो रांची में है, रांची जिले में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब वाटरफॉल्स की बात करते हैं तो देखो क्या क्या देखते हैं। झारखंड में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, झारखंड में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, जो सबसे हाईएस्ट, जो फर्स्ट रैंक में झारखंड में आता है, फर्स्ट रैंक जो झारखंड में आता है, झारखंड में आता है वो कौन है भाई, तो बूढ़ा घाघ, या जिसे कि आप लोध फॉल भी बोलते हो। किस रिवर पे है, किस नदी पे है, तो बूढ़ा रिवर पे ही है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। देखो मैं पॉइंट वाइज बस लिख रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे स्क्रीनशॉट लो या लिखते चलो। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ या लोध फॉल। किस रिवर पे है, बूढ़ा रिवर पे है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, भारत में इसका कौन सा स्थान है, तो 21वां स्थान है, 21st रैंक इन इंडिया। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में इसका कौन सा स्थान है, तो भाई भारत में इसका 21वां स्थान है, ये लिखो। इसके अलावा अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं आपसे, तो 137 मीटर या 450 फीट। एक और डाटा आपको मिलेगा, 143 मीटर, एक जगह आपको और मिलेगा 143 मीटर या 469 फीट। ये दोनों डाटा आपको मिलेंगे। अब मैं ये दोनों डाटा क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। पहले देखो, अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड में कौन है, बूढ़ा घाघ, लोध फॉल जिसे आप बोलते हो, है कहाँ, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। किस रिवर पर है, बूढ़ा रिवर पर है। भारत में कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 137 मीटर है 450 फीट, 143 मीटर है 469 फीट। ये दोनों डाटा आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम डाटा आपको ये देखने को मिलेगा, झारखंड में इतने डाटाओं का फ्लक्चुएशन है, इतने डाटा अलग अलग है कि एक तरह से जज कर पाना मुश्किल है। एग्जाम में दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने दोनों ही डाटा आपको बता दिया। अगर आप कभी भी बूढ़ा घाघ के लोध फॉल में फंसो तो आप दोनों डाटा को देख लेना, जो होगा उसको आप हेड कर देना। मैक्सिमम क्वेश्चन भी ये डाटा मुझे मिला है, बुक्स में ये भी है, तो आप 137 मीटर याद रखो या फिर आप 450 फीट याद रखो। ठीक है, अब अगर रांची की बात हम करते हैं, पहले इसे आप लिखो फिर हम रांची की बात करेंगे। अगर रांची जो शहर की चर्चा निकली है, इस रांची में कितने वाटरफॉल है, कितने जलप्रपात है, हम सबको अभी देख लेंगे, आपका एक तरह से वाटरफॉल का भी रिविजन हो जाएगा। देखो चाहे मिनरल के क्वेश्चन हो, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे रिवर सिस्टम हो, चाहे आप क्षत्रिय राजवंश की बात करो, इतिहास, भूगोल, जब भी आप ऑब्जेक्टिव लगाओ ना तो इस तरह से पॉइंट्स कॉपी में लिखते चले जाओ, ताकि आपकी जो रिवीजन है ना वहीं की वहीं हो जाए। अभी देखो वाटरफॉल हम पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट की बात करी, अभी हम सेकंड की बात करेंगे, और रांची में जितना भी डिस्ट्रिक्ट में वाटरफॉल है सबको निकाल के यहाँ रख देंगे। चलो पहले इसे आप लिख लो। ठीक है, चले आगे, अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं रांची में। तो रांची की अगर हम बात करें तो देखो, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ा घाघ लोध फॉल था। दूसरा कौन सबसे ऊंचा है, दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, तो भाई हुंडरू। कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, दूसरा आपका सबसे हाईएस्ट कौन है, तो हुंडरू है। तीसरा अगर रांची में ही बात करें, देखो एक तो दशम हो गया, अब हम लाइन से लिखते हैं, दूसरा आप समझ गए ना, अब हम एक साइड से लिख देते हैं। दूसरा सबसे ऊंचा हुंडरू हो गया, पहला बूढ़ा घाघ हो गया, अब हम रांची में लिखते हैं। तो देखो रांची में अगर हम रांची की बात करें तो इसमें कितने जलप्रपात है, बस उसका एक बार चर्चा करते हैं और इसको एंड करते हैं। एक तो अब हो गया आपका दशम, दूसरा हो गया हुंडरू,
तीसरा हो गया जोना, जिसे कि आप गौतम धारा भी बोलते हो। क्या बोलते हो? जिसे कि आप गौतम धारा भी बोलते हो। चौथा अगर हम लिखें, चौथा अगर हम लिखें तो एक होता है सीता, ठीक है। पांचवा तीरु, पांचवा आपका तीरु हो गया। एक हो गया दशम, दूसरा हो गया हुंडू, तीसरा हो गया आपका जोना या गौतम धारा, और चौथा हो गया सीता, पांचवा हो गया तीरु, छठा हो गया दुधारी, छठा हो गया दुधारी, नाम थोड़ा कम बेसी हो सकता है उसको देख लेना। सातवां हो गया पंगुरा, ठीक है। और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये दुधारी है। क्या क्या मैंने लिखा? दशम लिखा, हुंडू लिखा, जौना गौतम धारा लिखा, दुधारी लिखा, सीता लिखा, तीरु लिखा, पंगुरा लिखा, अच्छा एक है बहिया, एक आपका आठवां क्या है बहिया। ये आठ जलप्रपात है ब्रांची के हिसाब से याद करना। दशम हुंडू, हुंडू सेकंड है, जौना को ही गौतम धारा बोलते हैं, सीता, तीरु, दुधारी, पंगुरा और बहिया, ये आठ वाटरफॉल जो रांची जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका तो पहले सही उत्तर आप लोग टिक कर लेना कि दशम का क्या हो जाएगा ए, अब बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा बीट आपको दे रखा है इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये जो नाम है ना, ये बहुत लोकल नेम्स है, हो सकता है दुधारी की जगह दुधारिया कुछ हो, बहरिया है बहुत जगह बहरिया मिल जाता है, तो आप देख लेना थोड़ा बहुत वो मिला लेना यार, क्योंकि बहुत लोकल नेम्स है, बुक्स में भी अलग अलग दिया हुआ रहता है। मुझे जो याद है बहरिया है ये पंगुरा, ठीक है। बाकी दशम हुंडरू जौना सीता तिरु और दुधारी ये तो सब पता ही होगा। चलो क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 देखो, ये बोल रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसको स्टार मार्क कर लो। कि जो बोकारो स्टील प्लांट है BSL जो कि बोकारो में है, जो 1964 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एज ए लिमिटेड कंपनी, 1971 में पहला प्रोडक्शन, 5 ब्लास्ट फर्नेस, 5.8 मेट्रिक टन लिक्विड स्टील की कैपेसिटी है और सोवियत यूनियन रशिया कोलैबोरेशन से बना हुआ है। ये आपसे पूछ रहा है कि किस फिफ्थ ईयर प्लान में इनकॉर्पोरेट हुआ था, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। सही उत्तर क्या है इसका? थर्ड। डायरेक्टली आप इसे याद रखोगे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, थर्ड। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोयला उत्पादन में झारखंड का कौन सा रैंक है? आपसे पूछ रहा है कोयला उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार सब लोग अपना डाटा लिखो, मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोयला उत्पादन में झारखंड का कौन सा रैंक है, तो झारखंड का तीसरा रैंक है। इसका भी सही उत्तर क्या होगा? सी। अब अगर झारखंड का तीसरा रैंक है तो पहला और दूसरा रैंक है किसका? देखो तो कोयला उत्पादन में बात समझना, कोल प्रोडक्शन में, कोल प्रोडक्शन की बात हो रही है, कोल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है मतलब उत्पादन, उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का, कोल उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा रैंक है? तो भाई तीसरा रैंक है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। दूसरा आपका किसका है? तीसरा आपका उड़ीसा का, उड़ीसा, उड़ीसा का, और तीसरा आपका हो जाता है हमारा प्यारा झारखंड, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट रैंक है वो किसका है? छत्तीसगढ़ का, दूसरा उड़ीसा का, तीसरा किसका आपका? झारखंड का है। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो छत्तीसगढ़ लगभग 22% का प्रोडक्शन करता है, 22%, उड़ीसा आपका 19.5% के आसपास करता है, और झारखंड जो है ना 18.6% के आसपास का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये तीनों को तीनों प्रोडक्शन में मैंने आपको दे दिया है, बल्कि इस डाटा को थोड़ा सा करेक्ट करो, छत्तीसगढ़ 22%, ये 19.8% और झारखंड जो है 18.5%, इसको ठीक ही कर लो, 18.5%। तो भारत में सबसे अधिक कोल प्रोडक्शन, कोयला का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ 22%, उड़ीसा 19.8% और झारखंड जो है 18.5%। इसके अलावा दो पॉइंट आप और लो कि भारत में टोटल कोल माइंस कितने हैं, भारत में टोटल कोल माइंस कितने हैं, टोटल कोयला की खदाने कितने हैं। तो टोटल जो भारत में कोयला की खदाने हैं, अगर हम कोल माइंस की बात करें, भारत में कोयला की खदानों की बात करें, कोयला की खदानों की बात करें, तो भारत में टोटल कोयला की खदानें 476 हैं। कितने हैं? 476 है, जिसमें कि झारखंड में कितने हैं? तो झारखंड में जो है 137 माइंस है, 137 खाने हैं। किसकी बातें हम कर रहे हैं? कोयला की, कोयला की। ये 137 माइंस कहाँ है भाई? तो ये झारखंड में है,
झारखंड में, ठीक है। देखो यहाँ मैंने 5-6 बिट आपको दे ही दिया। अगर कोल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो झारखंड का भारत में उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान है। पहला है छत्तीसगढ़ जो कि 22% का प्रोडक्शन करता है, दूसरा आपका उड़ीसा है जो कि 19.8 का प्रोडक्शन करता है, और तीसरा आपका झारखंड है जो कि 18.5 का प्रोडक्शन करता है। भारत में टोटल कोल माइंस कितने हैं? 476 हैं, जिसमें कि झारखंड में कितने हैं? 137 है। और इसमें से भी एक बिट आप और लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक कोल माइंस है, झारखंड के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला की खाने हैं? आंसर इज धनबाद। आंसर इज धनबाद। सबसे अधिक कोल माइंस कहाँ है? धनबाद में। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। सो देखो कितना अधिक सारा, बहुत सारा बीट मैंने निकाल के दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को याद रखोगे। चलो एक प्रश्न और लेते हैं। मुझे लगता है लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हम यहीं रोकेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसका नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसको कवर करेंगे। अब देखो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये प्रश्न जेपीएससी में भी पूछा गया है। सो इस एक प्रश्न को नहीं करेंगे हम, इसके तीन बीट को करने वाले हैं, ताकि आपको इस क्वेश्चन, इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको मतलब आप फंस सकते हो, उस चीज़ों से आप बच सको। तो यहाँ का प्रश्न पहले आप देख लो, ढंग से पहले प्रश्न को पढ़ लो, ठीक है, कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन आप लोग टिक करो। तो अभी हम बताते हैं आपको झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड, सेकेंड लार्जेस्ट। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। अब यहां देखो जो लिख रहा हूं, देखो झारखंड का जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड, झारखंड के ट्राइब्स को अगर आपको याद करना है तो सोम एक वर्ड याद कर लो, सोम है, ठीक है। इसे आप जैसे याद करना चाहते हो कर लो। एस संथाल सबसे बड़ी, पहली, उरांव दूसरी, या पहली ओ से उरांव दूसरी, एम से मुंडा तीसरी, और एच से हो चौथी। सोम है, ये शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो, सोम है या सोम, जो भी आप याद करो, एस ओ एम एच, ठीक है, एस ओ एम एच। तो पहली जो सबसे बड़ी जनजाति है लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड की, वो है संथाल, संथाल, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा, और चौथी जो है हो है। पहली, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एस ओ एम एच, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। तो ये रही, तो इसका उत्तर क्या पूछा इसने? इसने दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछी है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन होगी बताओ? ओ से उरांव, सी इज द करेक्ट आंसर, 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 ठीक है। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। जो लोग हमारे सीजीएल के कोर्स में नहीं जुड़े हो, जो जुड़ना चाहते हो, जो जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, हमसे जुड़ सकते हो। चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। अब आपको वीडियोज़ रेगुलर ही मिलेंगे। इधर मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए नहीं दे पाया, बट द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू ऑल गाइज हैव शोन, थैंक्स फॉर दैट। चलिए फिर हम मिलते हैं।